नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी RIS प्री 2023 एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप एग्जाम देने वाले हो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस बार एग्जाम में काफ़ी कुछ बदलाव जो है किए गए हैं। उन सभी बदलावों के बारे में इस वीडियो में जो है हम आपको बताने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, इस बार सबसे बड़ा बदलाव तो ये है, आपको एग्जाम हॉल में एक घंटे पहले जो है पहुँचना होगा, एक यानी कि 10 बजे तक ही आपको जो है प्रवेश दिया जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1 अक्टूबर को आयोजित होने वाली RIS प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नकल की रोकथाम एवं पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम कसने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। परीक्षा तैयारियों को लेकर गुरुवार को प्रदेश के 40 जिलों के जिला प्रशासन एवं पुलिस अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। उम्मीदवार को केंद्र पर एक घंटे पहले पहुँचना होगा। परीक्षा आपकी 11 से 2 बजे के बीच में होगी, लेकिन आपको जो है 10 बजे ही पहुंचना होगा। 10:55 तक परीक्षा हॉल में बैठे अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी की जाएगी। आयोग इस परीक्षा को प्रदेश के 40 जिलों में जो है आयोजित करा रहा है। कुल दोस्तों जो है 2158 केंद्रों पर परीक्षा ली जा रही है। लगभग 7 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है परीक्षा देंगे आरंभ। और साथ में दोस्तों एक बदलाव किया गया है, RIS प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न में पहली बार OMR शीट में पांचवा उत्तर विकल्प दिया जाएगा। इसका प्रचार अधिक किया जाए। यदि 150 में से अभ्यर्थियों ने 15 प्रश्न नहीं किए और उसने पांचवा विकल्प भी नहीं भरा तो उसकी OMR शीट भी नहीं जांची जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। एक तो पांचवा ऑप्शन दिया जाएगा, दूसरी चीज़ दोस्तों आपको जो है एक घंटे पहले जो है पहुंचना होगा, आपकी वीडियोग्राफी भी होगी। ये सभी दोस्तों नकल वगैरह पेपर में कुछ गड़बड़ी वगैरह ना हो, इस सब को रोकने के लिए ये सभी किया जा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।